उस्मानाबाद तुलजापुर शहर के पास डांस बार पर उस्मानाबाद पुलिस ने छापामार कार्रवाई की, जिसमें 25 महिलाओं के साथ 64 पुरुषों को गिरफ्तार किया, साथ ही 62,84,000 का माल भी जब्त किया। जिले के तुलजापुर के नलदुर्ग रोड पर होटल गजगा इस डांस बार पर उस्मानाबाद पुलिस के विशेष पथक ने छापा मारा, जिसमें 25 महिला समेत 64 पुरुष, दो मैनेजर और मालिक को गिरफ्तार किया गया। उस्मानाबाद के पुलिस अधीक्षक नीवा जैन के मार्गदर्शन में ये कार्रवाई की गई। कलम विभाग के उपविभागीय पुलिस अधिकारी रमेश, पुलिस निरीक्षक आजीनाथ काशित के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। तुलजापुर का गजगा डांस बार शुरू होने के बाद से ये पहली बड़ी कार्रवाई है। गिरफ्तार महिलाएं दूसरे राज्यों के होने की जानकारी सामने आई है और पुरुष ग्राहक सोलापुर, गुलबर्गा, कर्नाटक राज्य समेत अन्य जगह के हैं। इस कार्रवाई में 62,83,500 का माल जब्त किया गया। माननीय एसपी मैडम उस्मानाबाद जिला, उनके आदेश के अनुसार यानी गोपनीय माहिती के अनुसार एक विशेष पथक तैयार करके कल रात्रि 11 से 12 बजे के बीच में एक टीम तुलजापुर हंगरगा गांव गजगा होटल में एक रेकी केला। रेकी के दरमियान पता चला कि उनको जो टाइम दिया 12:30 उसको क्रॉस करके वो उल्लंघन चालू था। तो ये माहिती पे हमने लोकल पुलिस स्टेशन की मदद से वहाँ पे एक रेड किया। रेड के टाइम पे 66 पुरुष लोग यानी 25 महिला लोग जो नाट्य डांस करते हैं, इनको अप्रियन किया। यानी उसके अलावा जो उल्लंघन के अनुसार अप्रॉक्सीमेटली 70,00,000 का मुद्देमाल जब्त किया। जब्त करने के बाद लोकल पुलिस स्टेशन को हैंड ओवर करके पुलिस कार्रवाई के लिए आदेश दिया है।